बुद्धि महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारत की डेमोक्रेसी में हमने कभी भी इतने दिन तक लंबा आंदोलन नहीं देखे। इस मूवमेंट में, किसानों का मूवमेंट में, कम से कम 600 से ज्यादा, लगभग 700 लोग शहीद हो चुके हैं। और ये मूवमेंट का महत्व ये है, ये शांतिपूर्ण मतलब नॉन वायलेंस मूवमेंट चल रहा है। 9 महीना से ज्यादा ये आंदोलन खिंच चुका है। राकेश टिकैत जी इस आंदोलन को आगे लीड कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ एक भी दिन कभी भी यहाँ वायलेशन नहीं हुआ। ये संवैधानिक प्रक्रिया में ये मूवमेंट चल रहा है भारत वर्ष में। और आज कल जो भारत बंद का नारा दिया गया था, पूरी तरह से भारत इसमें प्रभावित हो चुका है। फार्मर आंदोलन धीरे 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 पूरा भारत में फैल चुका है। हमने देखे है और जाने है कि भारत वर्ष में जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आंदोलन में आ जाता तो पार्लियामेंट 7 और 8 दिन का अंदर पार्लियामेंट में डरसा गूंज जाता था और गवर्नमेंट सत्ताधारी दल वो सड़क पर आ जाता था और आंदोलनकारियों का साथ बातचीत करके उनको समझा के उनका डिमांड को फुलफिल किया जाता था। तब हम सोचते थे ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में लोगों का आवाज बुलंद होता है। जब संसद आवारा बन जाता है तो लोग सड़क पर आ जाते हैं। आवारा संसद को पाठ पढ़ाने के लिए लोगों को सड़क पर आना पड़ता था और उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता था। आज का तारीख में आरएसएस द्वारा प्रभावित सरकार और बीजेपी सरकार ऐसे बहरा और गुंगा बन गया है। फार्मर जो भारत का अन्नदाता, 9 महीने से हो गया, ज्यादा दिन हो गया, आज तक ये मूवमेंट में कंटिन्यू बैठे हुए हैं। इसीलिए दुनिया का तमाम देश, खास करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका, फ्रांस, इटाली, जर्मनी, उसके साथ साथ आप और बहुत सारे देश, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश का फार्मर भारत का सरकार का इरादा को पर सख्त बिठा चुके हैं। ये झलक हमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में देखने के लिए मिलता है। जब भारत का प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी के बारे में, भारत का डेमोक्रेसी का शासन के बारे में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपना वक्तव्य दे रहे थे, उस वक्त कुर्सी खाली था। कोई भी उनका भाषण सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थे। कोई भी देश मोदी जी का भाषण में ताली मारने के लिए नहीं था। एक या दो बार कोई नेशन उनके उनका भाषण में ताली मारे। इससे पता चलता है कि जब भी कोई देश का हुक्मरान डेमोक्रेसी के खिलाफ चला जाता है, गणतंत्र प्रक्रिया के खिलाफ जाके डिक्टेटरशिप शासन करता है, वर्ल्ड उन्हें देखता है और जानता है। जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका किसान आंदोलन से पहले गए थे, उन्हें स्वागत किया गया था, दमदार स्वागत किया गया था। लेकिन आज 2021 में जब भारत का प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, अपना वक्तव्य रखते हैं, उनसे पता चलता है डेमोक्रेसी का पाठ उन्हें पढ़ाया जाता है। अमेरिका राष्ट्रपति जन बाइडन उन्हें गांधी जी के बात बताते हैं और उन्हें भेंट में बुद्ध का स्टैचू उन्हें दिया जाता है। मतलब ये भारत का डेमोक्रेसी के बारे में वर्ल्ड जान चुका है। भारत में डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। गणतंत्र का शासन का नाम पर यहाँ लोगों को मोबलिचिंग किया जा रहा है। चुने हुई सरकार यहाँ डिक्टेटरशिप काम कर रहा है। फार्मर का मांग 9 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, लेकिन आज तक उनका मांग को पूरा किया नहीं गया। इतना लंबा ये आंदोलन खींच खींच रहा है, मतलब आरएसएस और बीजेपी के लिए खतरा है। बीजेपी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो ये सचमुच 25 साल पीछे चला जाएगा बीजेपी, और आरएसएस 25 साल फिर पीछे चला जाएगा।
वर्तमान समय में बीजेपी का शासन का पीरियड में लोगों का लोग भारत का लोग आज का तारीख में एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना भरोसा खो बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन अपना काम सही से नहीं कर रहा है, इसीलिए लोग उनका ऊपर भरोसा खो चुके हैं। जुडिशियरी सिस्टम ऑफ द इंडिया का ऊपर भी लोगों का भरोसा धीरे धीरे खो रहा है। साथियों, डेमोक्रेसी ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में जब पब्लिक सड़क पर आ जाता है, गवर्नमेंट का हाथ पांव फूल जाता है, तुरंत ही सत्तारूढ़ दल और गवर्नमेंट पब्लिक के सामने आके उनका डिमांड को फुलफिल करता है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये है, लोगों का सरकार है, लोगों का द्वारा चुना गया सरकार है, जो भी हुक्मरान गद्दी में बैठता है वो लोगों के लिए ही काम करता है। लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा नहीं कर रहा है। भारत का डेमोक्रेसी में कभी भी इतना लंबा तक कोई भी आंदोलन नहीं खींचा गया था और इतने लोग भी शहीद नहीं हुए थे। भारत का प्रधानमंत्री रात के अंधेरे में विस्टा प्रोजेक्ट देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन भारत का फार्मर का पास जाके बात करने के लिए हमारा भारत का प्रधानमंत्री जी को वक्त नहीं मिलता। साथियों, भारतवर्ष में डेमोक्रेसी मिशनरी बिल्कुल फेल हो चुका है। डेमोक्रेसी का कोई नाम ही नहीं है। ईडी फेल है, सीबीआई फेल है, इलेक्शन कमीशन फेल है, प्रेस मीडिया गोदी मीडिया बन गया, एग्जीक्यूटिव फेल है। ये तो ये संसदीय प्रणाली का ऊपर भी लोगों का भरोसा टूट रहा है। ऐसा होते रहेगा तो ये दिन बहुत दूर नहीं है, बीजेपी सचमुच में 25 साल पीछे चला जाएगा, आरएसएस संगठन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि फार्मर का आंदोलन ये ऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट सबसे बड़ा ओपोजिशन का काम कर रहा है। भारत बंद को देखते हुए ये नजर में आ रहा है, ये गांव देहात तक पहुंच चुका है। सिर्फ ये यूपी बिहार में नहीं है, ये आंदोलन पूरा से पूरा भारतवर्ष में फैल चुका है। यूपी, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर तक फार्मर का मूवमेंट फैल चुका है। जैसे फॉरेन कंट्री में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका फार्मर मोदी जी को ब्लैक फ्लैग दिखा रहे हैं। इससे पता चलता है भारत का डेमोक्रेसी खतरे में है। आज डेमोक्रेसी के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। आपका फाइनेंशियल कंडीशन आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। इसीलिए भारत का कॉरपोरेट घराना का लोग, बिजनेस घराना का लोग भारत छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को पता चल गया है उनका पैसा यहां सुरक्षित नहीं है। कैसे? आरबीआई डूब चुका है, बैंक डामाडोल हो चुका है, जो पैसा आप बैंक में रख रहे हो वो पैसा आपका सुरक्षित नहीं है, जो एलआईसी में आप पैसा रख रहे हैं एलआईसी आपके लिए सुरक्षित नहीं है। ये तो एक इंडियन पोस्टल सिस्टम को भी ये लोग बर्बाद कर चुके हैं। भारत का प्रधानमंत्री और आरएसएस वाले का जो शासन है, भारत को चिंता में डाल दिया है। करोड़पति और कॉरपोरेट घराना का लोग तो भारत छोड़ चुके हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग करे तो करे क्या करे, ये टैक्स भर रहे हैं, ज्यादा टैक्स भर रहे हैं, टैक्स दे देकर मिडिल क्लास फैमिली यहां रिंग रहे हैं, भारत में रेंग रहे हैं, दो वक्त का रोटी एडजस्ट करने के लिए वो खाना काट रहा है। मिडिल क्लास फैमिली का रसोई में खाना कम हो गया है। एक ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए जितना जैसे प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम जरूरत है, इनको कम कर रहा है। रसोई में जब जाता है मिडिल फैमिली का वाइफ, वो डर जाती है उनका बच्चों को क्या खिलाना है, कल के लिए क्या खिलाना है, इतना महंगा भी पड़ चुका है।
मेडिकल फेल हो चुका है। जब किसी को भी इलाज करवाना है तो लोग डर रहे हैं। वक्त ऐसा था गवर्नमेंट मेडिकल तंदुरुस्त था, मुफ्त में इलाज मिल जाता था। वर्तमान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बंद करके प्राइवेट हॉस्पिटल किया गया है। तो मामूली सी डिजीज में जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं, लाख रुपया बिल हो जाता है। तो मिडिल क्लास इसमें परेशानी ज्यादा उठा रहा है, गरीबी इलाज के अभाव के कारण वो मर रहा है। एजुकेशन सिस्टम को इसे डामाडोल कर दिया गया। प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन तक जो एजुकेशन है वो बिल्कुल कमजोर है। हायर एजुकेशन गरीब आज दे नहीं पाएगा, क्योंकि गरीब माँ बाप का पास इतना पैसा नहीं है उनका बच्चे को हायर एजुकेशन दे पाए। भारतवर्ष का डेमोक्रेसी को कैसे तार तार किया जा रहा है, वेलफेयर स्टेट को कैसे कैपिटलिस्ट टेस्ट बना दिया गया है। भारत का संविधान होते हुए भी संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। साथियों, ये बड़ा दर्दनाक वक्त आ चुका है। गरीब लोगों को दो वक्त का रोटी जुगाड़ करने के लिए काम धंधा नहीं मिल रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान सड़क पर आ चुका है। गवर्नमेंट मनमानी कर रहा है। फार्मेसी आंदोलन को ज्यादा तेज कर रहे हैं। वक्त ऐसा आ रहा है शायद भारतवर्ष में आरएसएस और बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन फार्मर मूवमेंट में ही फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये मूवमेंट जितना देर तक खींचा जाएगा उतना नुकसान बीजेपी और आरएसएस को होने वाला है। हर स्टेट में बीजेपी हार जाएगा। आरएसएस का खोखला नीति लोगों को सामने आ चुका है, इसीलिए ये मूवमेंट गवर्नमेंट जितने जल्दी निपटाएगा, तीन काला कानून को जितने जल्दी वापस ले जाएगा उतने जल्दी ये दोनों संगठन के लिए फायदा है। नहीं तो ये सचमुच सही बात है, ये देश के लिए खतरा ही बन जाएगा। बहुत बड़ी बड़ा आश्चर्य की बात यह है, फार्मर मूवमेंट गणतांत्रिक प्रक्रिया में पालन कर रहा है। पीस एंड नॉन वायलेंस से ये आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए ये मूवमेंट इतना लंबा तक खींचा गया है। ये फार्मर का सबसे बड़ा विपक्ष है। पीस एंड नॉन वायलेंस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा उत्पन्न होता है। जितना बड़ा ताकतवर इंसान भी पीस और नॉन वायलेंस मूवमेंट को हिला नहीं सकता। साथियों, हम भारतीय हैं, हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मर मूवमेंट को शपट करना, तानाशाही गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना। फार्मर नहीं बचेगा तो हमारा थाली में रोटी नहीं आएगा, हमारा नस्ल को खाना नसीब नहीं। देश का खाना जब तिजोरी में चला जाएगा, देश का खाना जब तिजोरी में चला जाएगा, गरीब और मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा सफर होंगे। इसको नजर में रखते हुए भारत का गरीब और मिडिल क्लास फैमिली कमर कसना है। और जो भी गवर्नमेंट आवारा होता है, हम सबको सड़क पर उतरना है, भारत का संविधान को बचाना है। संवैधानिक प्रक्रिया में सबको सड़क पर आना चाहिए, आर्टिकल 19 को सही इस्तेमाल करना चाहिए। जब जब ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 19 का यूज टाइम में वायोलेशन कर देता है, वो ऑर्गेनाइजेशन फिनिश हो जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया को जेल का अंदर डाला जाता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कभी भी वायोलेशन को माफी नहीं करता। हमारा कानूनी प्रक्रिया हमें ये सिखाता है, हमारा संविधान हमें यह सिखाता है, पीस एंड नॉन वायलेंस। हम बुद्ध का धरती में रहने वाले हैं, इसीलिए हम सब लोग पीस एंड नॉन वायलेंस को पालन करना है, फार्मर मूवमेंट को मजबूत करवाना है, भारतवर्ष में भाईचारा फैलाना है, नफरती को मिटाना है और देश को मजबूती का साथ आगे बढ़ाने के लिए सब सिटीजन का योगदान बहुत जरूरी है। थैंक यू। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।